पार्टी में जाना यही 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 मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यही मैं बताने जा रहा हूँ। चूँकि आप लोग सवाल यही करेंगे कि पाँच साल तक आपने कुछ नहीं किया, आपने मलाई किया, वो खाया ये खाया, मैं कहा कि जिस गरीब समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के नाते आज बहुमत की सरकार बनी, लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन उस पिछड़े दलित को कुछ भी नहीं मिला, इससे आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी में जाएंगे दारा सिंह जी? दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जाएंगे? मेरी 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 बात सुनिए, मैं पाँच साल शुरू से मैं लगातार अपनी पार्टी के हाई कमान के लोगों को सूचना देता रहा, कहता रहा कि बात करता रहा, लेकिन मेरी बातों को अनसुनी कर दिया गया, क्योंकि मैं पिछड़ों की बात, दलित जो उपेक्षित लोग हैं जिनके नाते हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में हैं, और सारे समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के देखिए देखिए आप आज पहली बार मैं बयान दे रहा हूँ, चूँकि जब पाँच साल तक, मेरी बात सुनिए, पाँच साल तक ये हमारे सारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता, सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है, मैं चर्चा करना चाहता हूं, तब इस समय नहीं मुझे समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी यह जो है मैं तय करूँगा। अभी देखिए, अभी बाप लोग चिंता मत करिए, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अभी नहीं, स्वामी जी के साथ मैंने नहीं दिया है इस्तीफा, तो आज मेरा इस्तीफा हुआ है। लेकिन ये है कि मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी है, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। प्रसाद मौर्य से क्या बात? बीजेपी से किसी की बात हुई क्या आपकी? नहीं, मैं पार्टी में रहा हूं, तो मेरी बात तो सारे नेताओं से होती रही है, सारे लोगों से मैं अपनी बात को कहता हूं। आपके साथ कुछ विधायक भी जाने वाले हैं क्या? मैंने ठीक है, सारे लोगों से मैं बात करता हूं। विधायक भी आपके साथ इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, ऐसा नहीं, अब कौन आएगा, कौन विधायक जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को है, आने वाले दिन में दो चार दिन में सब पता चल जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े दलित की बात नहीं सुन रहे थे क्या? निश्चित रूप से आज जिस तरीके से पिछड़े समाज या दलित समाज के लोगों में जो तकलीफ है, अगर यह बात लोगों की सुनी जाती तो फिर क्यों ये स्थिति आती? मैं किसी से आरोप, देखिए ठीक है, नहीं ठीक है, मैं तो अब चलिए मैं किसका नाम बताऊं, सारे लोगों के नाम, सारे लोगों के बात हुई, मेरी चीत हुई, मैंने अपनी पीड़ा सारे लोगों को बता दिया था कि ये स्थिति है, मैं तो अब उससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। लेकिन देखिए, पाँच साल तक सारी बात को आप लोग जानते हैं, मैं तो शुरू से इस बात को लड़ता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, लड़ाई नहीं, अपनी बात को मैं कहता रहा कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी, और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान को आप सुन, न्याय नहीं दे पाए पिछड़ों दलितों की बात अनसुनी की गई, दारा सिंह चौहान अभी कह रहे हैं, बार बार उनकी बात हुई, कहा गया उनकी तरफ से, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार किया गया, इग्नोर किया गया, यह आरोप लगाया है दारा सिंह चौहान ने। कहा गया उनकी तरफ से पिछड़ों दलितों का तर्क दिया गया, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया, दरकिनार किया गया, और पांच साल तक पे लोगों के पास गुहार लगाता रहा, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, ये अभी अभी कहा है दारा सिंह। एक हो जाना, हटा लो, सब लोग हटा लो, एनआई को हो जाना यार, चलो।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा परचा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। सर, सपा में जा सकते हैं, नया पार्टी बना सकते हैं मेरे साथ? आपने इस्तीफा क्यों दिया 5 साल? मैंने 5 साल जिस खबर आ रही है दारा सिंह चौहान के इस्तीफे पर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, डूबती हुई नाव पर सवार होने की बात कही उन्होंने, कहा है कि आप फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से इनका ही नुकसान। उन्होंने कहा है, दारा सिंह जी आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। कितना बड़ा सेटबैक है ये, कितना बड़ा धक्का है ये, इस ट्वीट से साफ समझ में आ रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बात लिख रहे हैं करके खड़े हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से मैंने इस्तीफा दिया है, और मैं बार बार अपने नीचे से लेके ऊपर के किनसे मुख्यमंत्री साहब ने कहा, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस्तीफा जो है ये बहुत सभी लोगों से अपनी गुहार करता रहा कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, उचित सम्मान न मिलने के नाते मैंने इस्तीफा दिया है। देखिए, ऐसा बात नहीं मानी है, और अभी भी आप लगातार देख सकते हैं आवाज पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये हुआ, तो देख लीजिए आप केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके क्या कहा है। केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके लिखते हैं कि डूबती हुई नाव में सवार हो रहे हैं, दारा सिंह जी अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। बड़ी खबर, दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद ये देखिए बड़ा ट्वीट, ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, ट्वीट करके लिखते हैं कि आप डूबती हुई नाव में सवार हो रहे हैं, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं, अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा परचा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। हम जा सकते हैं, नया पार्टी भी बना सकते हैं, जो भी समाज कहेगा, जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। तो जो भी मेरा समाज कहेगा, मेरे समाज के लोग कहेंगे, मेरे समर्थक कहेंगे, वो आगे निर्णय लिया जाएगा। जब पूछा गया दारा सिंह चौहान से कि आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह, तो उनका ये जवाब था, वही जवाब जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य का था, आज दारा सिंह चौहान का है। एक दिन डिलेट चल रहा है, लेकिन सब कुछ लगभग वही है। कह रहे हैं वो कि वो अपने समाज के लोगों और अपने समर्थकों से बात करके अपना आगे का रास्ता तय करेंगे।
ये बड़ा बयान दारा सिंह चौहान का। और जब उनसे ये पूछा गया कि अभी आपने क्यों इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था कि ये सवाल आप लोग पूछेंगे, तो मैं बताऊं कि 5 साल तक मैं अपनी बात कहता रहा लीडरशिप से, जो निर्णायक लोग हैं उनसे, लेकिन मुझे अनसुना किया गया, दरकिनार किया गया, मैं अपमानित हुआ, मेरी बात नहीं सुनी गई, और इसीलिए लिहाजा मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं सरकार से इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़ी बात, जो समाज कहेगा वही फैसला लूंगा। मैं अभी अपने कार्यकर्ताओं और अपने समाज के लोगों से बात करूंगा। लुनिया राजपूत बिरादरी से आते हैं दारा सिंह चौहान, ओबीसी, पिछड़े वर्ग का ये समुदाय लुनिया राजपूत। अभी फिलहाल मधुबन सीट से विधायक हैं, चुनाव में जाने वाले हैं सभी लोग, तो वो भी जाएंगे मधुबन सीट, मऊ जिले की सीट, वहां से विधायक। 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अक्टूबर के महीने में। उस वक्त अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, जब सरकार बनी तो वन मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मंत्री का ओहदा उनको दिया गया, 5 साल तक मंत्री रहे। मंत्री रहते उन्होंने कई बार विपक्ष पर हमले बोले, लेकिन के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहां जाना, जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूं। हम जा सकते हैं, नया पार्टी भी बना सकते हैं। अरे एक मिनट, जो भी समाज कहेगा, जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। नहीं, स्वामी जी के साथ मैंने नहीं दिया है इस्तीफा, तो आज मेरा इस्तीफा हुआ है। लेकिन ये है कि मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी है, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। प्रसाद मौर्य से क्या बात, नहीं मैं पार्टी में रहा हूं, तो मेरी बात तो सारे नेताओं से होती रही है, सारे लोगों से मैं अपनी बात को कहता हूं। आपके साथ कुछ विधायक भी जाने वाले हैं क्या? मैंने ठीक है, सारे लोगों से मैं बात करता हूं। विधायक भी आपके साथ इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए ऐसा नहीं, अब कौन आएगा, कौन विधायक जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को है। कौन आएगा कौन जाएगा ये सारी जानकारी ही पत्रकारों को है, ये बोलते हुए चले गए दारा सिंह चौहान। कह रहे सपा में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों से, अपने समाज के लोगों से बात करूंगा और तब आगे का निर्णय लूंगा। तो सपा में जाने के सवाल पर ये उत्तर दिया दारा सिंह चौहान ने। उनके जाने की अटकलें कल से लगाई जा रही थी और हमने भी आपको बहुत संकेत दिए थे इस डेवलपमेंट के बारे में। और ये एक और झटका भारतीय जनता पार्टी को, एन चुनाव से पहले ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को, ये बड़ा स्ट्राइक, ये बड़ा झटका। और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अपील की है दारा सिंह चौहान से कि वो पुनर्विचार करें सपा में जाने के सवाल पर, अपने समर्थकों और अपने समुदाय के लोगों से बात करने की बात कह रहे हैं दारा सिंह चौहान। इधर केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने डूबती हुई नाव में जाने का निर्णय ले लिया है। दो तस्वीरें आप देख लीजिए, पहला झटका कल दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, दूसरा झटका आज दिया है दारा सिंह चौहान ने, उनके मित्र और साथी। और इन दोनों के साथ रहने की बात, इन दोनों के सार्वजनिक जीवन में भी कई बार साथ देखने की बात सबको मालूम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते समझते हैं। और ये देखिए आप, ये बड़ा झटका एक और बीजेपी को, ये दूसरा बड़ा झटका दूसरे दिन बैक टू बैक। दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए कहा है कि दलितों पिछड़ों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अच्छा नहीं हुआ, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, ये तमाम आरोप लगाए हैं अपने इस्तीफे में दारा सिंह चौहान। और ये सब कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये भी कहा है कि 5 साल तक वो लगातार गुहार लगाते रहे, अपील करते रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई, मजबूरन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहा उन्होंने कि दलितों पिछड़ों की वो आवाज उठाते रहे लेकिन उसे अनसुना किया गया। तो भाजपा में भूचाल और आज उसका दूसरा पार्ट और बड़ा पार्ट, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है दारा सिंह चौहान ने। इस
इस बात को लड़ता रहा हूँ, लोगों से लड़ाई की, लोगों से लड़ाई की, लोगों से लड़ाई की, अपनी बात को मैं कहता रहा कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर हम लोगों ने पिछड़ों की बात, दलित जो उपेक्षित लोग हैं जिनके नाते हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में हैं और सारे समाज के लोग एक साथ खड़े होकर सर 5 सालों में आपका कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया ना, कोई आपका पत्र सामने आया जिससे आपको लगे कि आप पिछड़ों के साथ हो रहे हैं? आज पहली बार मैं बयान दे रहा हूँ सर, यही तो सर सवाल कह रहे हैं, बड़ा सवाल है सर, यही मेरी बात सुनिए यार, इधर लाओ यहाँ पहले वहाँ पे, ये हमारे सारे प्रदेश के नेता, दोनों नेता सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित है, पिछड़े हैं, वंचित हैं और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी है, जिनके नाते हम लोग राजनीति में है, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। समाज के लोगों ने आशीर्वाद दे के हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया है, उनसे मैं राय लेने के बाद जो उनकी राय होगी मैं अगला कदम, समाजवादी पार्टी का क्या होगा आपका? अब मैं बाद में जब सारे समर्थकों से, मेरी प्रदेश के लोगों से बात हो जाएगी तब मैं निर्णय लूंगा। मुझे कुछ और विधायकों के मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं, बीजेपी का विकल्प किसको देखते हैं? कुछ और विधायकों मंत्रियों के इस्तीफे, बीजेपी का विकल्प किसको देखते हैं आप? बीजेपी का विकल्प कौन है? जैसे कुछ और विधायक इस प्रदेश में किसको देखते हैं आप सर? इस्तीफा देने का क्या कारण? बीजेपी का कुछ और विधायकों मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं? देखिए जनता ही विकल्प है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। अच्छा, जनता जो निर्णय लेगी हम लोग उसके साथ हैं। अखिलेश यादव ने आपसे बातचीत की थी, आपको बुलाया था? अब देखिए, अब ये सब बात तो कौन बात किया था नहीं बात, तो हम राजनीतिक आदमी हैं तो राजनीतिक लोग बात करेंगे, राजनीतिक है स्वामी प्रसाद जी से बात हुई। जो मुख्य काम है कि पाँच, आपसे बात मैं कर रहा हूँ कि 5 साल तक, क्योंकि जो बात आप पहले बाद में पूछने वाले, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपने 5 साल में इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और मुझे शायद हमको लगता है कि स्वामी प्रसाद जी से क्या बात है, इतना बता दिए स्वामी प्रसाद जी से। 5 साल तक जो है सारे मीडिया के लोग भी इसको जानते हैं कि आप तो पहले से नाराज चल रहे थे, मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं, लेकिन यह है कि जिस पिछड़े समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने पूरा का पूरा समर्थन आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 5 साल तक तड़पते रहे, उनको न्याय नहीं मिल पाया, उनको स्वामी जी से क्या बात? यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि 5 साल तक मैं इस बात को लिए कहता रहा अपने यहाँ से लेके बड़े नेताओं तक, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, इससे आहत होकर के हमने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। नहीं,